ये आ गया भाई मदरबोर्ड हाथ में। और एक तरह से भाई जो जहाँ से मैं खुद खाता हूँ ना, मैंने वहां से लेके दिया, तो ऐसे कमेंट मत किया करो, बहुत बुरा फील होता है। दिक्कत ये वाटर ब्लॉक की है, जो पूरा पानी है ना ये लीक ना कर जाए बस। कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो गया अब। हाँ ऐसा बहुत कम होता है कि मैं नाइट ड्राइव्स में निकलता हूँ, उनमें से आज एक दिन है। सब्सक्राइब टू IPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन गाइस। ये देखो एक बार, और ये सिर्फ अभी 1% है, इसके जो नीचे इसके अंदर टॉयज भरे पड़े हैं बेड बॉक्स में, वो तो सब कुछ अलग है। एक बात बोलूं मैं भी, जो दुकान लगाते हैं ना उनके पास भी इतना टॉयज नहीं होगा। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। तो यार आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज अपने टॉयज की कलेक्शन, बिकॉज अभी जस्ट मैंने ओपन किया था बेड बॉक्स एंड आई सॉ कि यार ये आई थिंक मैंने अपने व्लॉग में कब से कवर नहीं करा। तो आज आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉयज मेरे पास में है और कितनी बड़ी कलेक्शन मेरे पास में है। ठीक है, तो अभी 1% है, चलो अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। वेल सो व्हाट अप गाइस, अभी हम व्लॉग्स बैक हियर। और सारी की सारी ना हॉट व्हील्स हैं, और मेरे को कलेक्शन करने का बहुत शौक था टॉयज का। देखो सारा कुछ है भाई, लैम्बर्गिनी, रोल्स रॉयस, ऑडी R8, मतलब जो टॉयज मैंने ले रखे हैं ना वही अब मैं गाड़ियां इकट्ठे करने के शौक चढ़ रहा हूँ। मस्टैंग भी ले ली थी, देखो ये रही मस्टैंग, बट मेरे को मस्टैंग पर्सनली इतनी गाड़ी अच्छी नहीं लगी थी। ये H2 है, अरे उल्टी नहीं रखनी भाई, सीधी होती है भाई, कि तो ऐसी करवा रहे हैं। ये देख रहे हो पूरे स्लैम अटैक्स के पूरे कॉपीज सब है मेरे पास में, मतलब ये इनका ट्रेंड आया था क्रिकेट अटैक स्लैम अटैक्स का 2011-12 में। और ये तो कुछ भी नहीं है अंकल, इतने सारे टॉयज हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये पूरे देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ हैं मेरे इसमें। जो आप बोलते हैं भाई गाड़ी वीडियो क्यों बनाता है, भाई सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का शौक है बचपन से, गाड़ियाँ बेब्लेड्स। अगर आपको एक पूरा व्लॉग चाहिए मेरी टॉय कलेक्शन के ऊपर कि भाई जितने सारे टॉयज हारे हुए दिखा दो, तो भाई मेरे को बताओ कमेंट्स में इस वाली वीडियो के, बिकॉज लिटरली यू गाइज आर गोइंग टू लव दैट कलेक्शन। बिकॉज जो टॉयज मेरे पास में है ना यार, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी आई थिंक 1 या 2 साल पहले, उसके बाद बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, बट अगर आपको देखनी है तो भाई डाल देंगे। आपका अंकल हिसाब का क्या ही है, हमें सुनो अंकल को मैंने दिखाया अपनी टॉयज, अभी कह रहे हैं आपको कितना गाड़ियों का शौक था। आप जल्दी करो, मैं इसको मेरे को जाना है, छोड़ जाऊं? नहीं छोड़ना नहीं, मेरे को जाना है, थोड़ी अर्जेंसी है। मैं ना बहुत दिनों से अपने रूम में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इस चक्कर में कल मैं अपने ऑफिस गया जो पीछे रूम है, वहाँ जाकर के मैंने अपने पीसी को ऑन करा और पीसी ऑन नहीं हुआ, तो मैंने भी भैया को बुलाया था कल टेक्नीशियन को कि भैया आके ज़रा देखो इसको क्या हुआ है इसके अंदर, तो अभी वो जब आएंगे तो एक बार ज़रा इसको देखेंगे, और अगर पीसी में कोई दिक्कत हुई तो दोबारा से खर्चा हो जाएगा। मैं पता नहीं भाई क्यों इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, पहले ये नुकसान वो नुकसान, मतलब जब से ये साल शुरू हुआ है ना भाई खर्चे ही खर्चे खर्चे ही खर्चे। कंप्यूटर वाले का फ़ोन कर दिया, वो अभी आ रहा है। बाकी इसमें डीजल है, उसमें डीजल है भैया, पक्की बात? तो फिर वो नहीं निकाल ली। पापा ने अपने डलवाया ना इसके अंदर, पापा मुझे बोलते हैं घूमना तेरे को है, तू डलवा भाई पेट्रोल, मैं बोलता हूँ मैं नहीं डलवाऊंगा, देखो आप डलवा। तो हमेशा जब भी वो गाड़ी में भरवा के लाते हैं मैं लेके निकल देता हूँ ये वाली गाड़ियाँ। अभी ना मैं बनवा रहा हूँ अपना सैंडविच, यहाँ पे नए वाले आए सैंडविचेस तो वो पूरा असेंबल करके दे रहे हैं, कॉफी तो मैंने बनवा ली। ये भाई पूरे मजे लेते हुए जा रहा हमारा ई रिक्शे वाला अंकल, थोड़ा आगे लो जरा ये रे। हाँ जी भैया बढ़िया, क्या खा रहे हो, मुंह में क्या है, कुछ बोल तो लो। यू शट अप। अभी दिक्कत क्या है, बटन दबाती ना देखो वो ऑन नहीं हो रहा लाइट, तो मतलब पहले ऐसा हो रहा था कि 2-3 बार दबाना पड़ता था बटन को और ऑन हो जाता था, लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा बटन दबा के भी। को जब भी ऑन करते हैं ना तो इसमें डेट और टाइम नहीं आता, वो दिक्कत हो जाती है। सेव नहीं करता। हाँ भाई उससे, लेकिन बैटरी चेंज कर दी थी इसकी सीमोस वाली ना। इसके लिए ग्राफिक कार्ड रिमूव करना है, पावर सप्लाई तक पहुंचेंगे, बिकॉज वर्टिकली माउंटेड है। सप्लाई ठीक है अंकल जी, बस ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा, उधर भी लाइट आ गई। अच्छा वो पूरा सप्लाई का ही काम है वो पूरा। ओके बोर्ड रिमूव है ना केवल एक। भैया ना मदरबोर्ड खुलवा के लेके जा रहे हैं, भैया कह रहे हैं इसको एक बार चेक करवा लेंगे कि इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी, रिपेयरिंग होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर नया मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, और फिर जो प्रोसेसर है ना वो भी नया लगा लेंगे। एक बात, अभी जो DDR4 की रैम है DDR5 में लग जाएगी? नहीं नहीं सॉकेट चेंज है, तो रैम भी नहीं लेनी पड़ेगी। DDR5 अलग, बोर्ड ही अलग है ना। अच्छा बोर्ड भी अलग आएगी, रैम भी अलग आएगी, नहीं तो फिर कोई वाला सेम बोर्ड लेना पड़ेगा, जो कि भैया को कह रहे हैं कि फायदा नहीं, पूरा फिर अपग्रेड कर लेना पड़ा बहुत पीसी। खोलना तो उसको कह रहे हैं 2 मिनट का काम है। दिक्कत ये वाटर ब्लॉक की है, जो पूरा पानी है ना ये लीक ना कर जाए बस, डर ये लगता है। ये जो पूरा अंग पान खाते हैं ना वो यहाँ लग जाता है पूरा थूक थाक के। तमता बड़े ड्राइवर भाई। ये आ गया भाई मदरबोर्ड हाथ में,
इनको से आपको रैम भी लेके जानी है, मदरबोर्ड लेके जाना है। कंक्लूजन के पीछे मेरा ये निकला है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो खराब है। अभी मैंने उसको भेज दिया रिपेयरिंग के लिए, अगर रिपेयर उसका हो जाता तो ठीक है, वेल एंड फाइन, नहीं तो उसको लेने को जाना पड़ेगा नया मदरबोर्ड, और नया मदरबोर्ड आएगा तो मैं प्रोसेसर भी चेंज करवाऊंगा और रैम भी चेंज होगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और जिधर खर्चा 2 लाख रुपये का हो जाएगा। अब भी सोच रहा हूँ कि तो मदरबोर्ड रिपेयर हो जाए तो बढ़िया है। कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो गया अब, हाँ जो मेन पार्ट होता है हाँ वो खराब हो गया, अब रिपेयरिंग के लिए भेजा, वो कह रहे हैं हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो बदलना पड़ेगा। अभी मैं आया हूँ सोशल पे, मैंने पैक करवाया अपने लिए खाना, और यार ये देखो यहाँ पे लव स्टोर है, यहाँ पे सब आते हैं, अनुभव सिंह बस्सी वगैरह सब यहाँ पे आके शो परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे सबके देखो ऑटोग्राफ्स हैं। मैं एक ही बार आया था 1 साल पहले, बहुत सही लगा था मेरे को तो। ये ऐसा बहुत कम होता है कि मैं नाइट ड्राइव्स में निकलता हूँ, उनमें से आज एक दिन है तो मैं निकल गया हूँ अभी। ये देखो ओहो भाई भाई, ये तो मज़ा ही अलग आता है, मतलब जो कार का इसकी फीलिंग है ना, आप मेरे को आती है समझ की भाई वो रात को गाड़ियां क्यों निकालते हैं। मेरे एक दोस्त के पास M3 है, वो ऐसी ऐसी ड्रिफ्ट मारते हैं ना भाई, देख के दिल खुश हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ भी रात को एक लैम्बो निकालेंगे और भाई गेड़ी मारने चलेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो अगर आपको एक वो बड़ा व्लॉग चाहिए इसमें ड्रिफ्ट ही ड्रिफ्ट लग रही है तो बताना कमेंट करके, वैसे तो बना ही दूंगा, बाकी लिटरली व्लॉग देख के ना मजा आ जाएगा आपको वो वाला। अच्छा वो बात अलग है कि भाई कुछ कुछ लोग भाई गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और फिर रेस करने की कोशिश करते हैं गाड़ी के साथ में, बट वो बात अलग है। The next day. सारे लगेज बैग्स अब साफ हो चुके हैं और ये दोबारा से यूज करने के लिए रेडी हैं। By the way guys, ये है day 2 और मैं अभी जा रहा हूँ करवाने के लिए अपना हेयर कट, बिकॉज थोड़े बहुत बाल बढ़ गए हैं तो ट्रिमिंग करवानी है, हेयर कट तो क्या ही है। लेकिन अभी हमें तक कॉमेंट आया जिससे मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, कॉमेंट क्या था कि यार मैंने 100 पिज़्ज़ा बांटे थे लोगों के बीच में, और उसके बाद भाई वो जो लोग हैं वो गर्मी में इतने खड़े हुए थे तो आई थॉट कि कुछ बांट देता हूँ खा भी लेंगे, बट उसमें जो कॉमेंट आया था उन लोगों को फास्ट फूड दे रहा है उनका पेट खराब हो जाएगा। भाई आई डोंट थिंक कि वो जो लोग हैं वो एक महीने में या एक हफ्ते में पिज़्ज़ा वीज़ा खाते होंगे, तो उनका भी एक तरह से टेस्ट बैड है वो भी अच्छा हो गया उससे, और एक तरह से भाई जो जहाँ से मैं खुद खाता हूँ ना मैंने वहाँ से लेके दिया था, तो यार ऐसे कॉमेंट मत किया करो, बहुत बुरा फील होता है। और अब भैया हमारा कर रहे हैं हेयर कट, ज़्यादा तो नहीं बढ़े ना, बस वही 10 दिन में जो कर होए हुए हैं। अंकल को नींद आने लगी है एकड़ के बीच में ही, अंकल जी हर जगह साथ ही आते हैं तो अंकल जी को नींद आने लग गई थी। हाँ हो जाओ नींद लगेगी 5-10 मिनट अभी। यहाँ पे ना भैया ने मेरा रजिस्टर बनाया था तो भैया को मैं बोल रहा हूँ किसी और के में लिख दो। तो भैया जी अभी आने वाले हैं और ये जो पार्ट है इसका वो लगा देंगे। देखो कैसा पूरा खुला पड़ा है, ये इसकी पाइप पड़े हैं, ये इसकी ग्राफिक कार्ड पड़ा है, पूरा मदरबोर्ड से निकला हुआ है, मदरबोर्ड की चिप खराब हुई है। मदरबोर्ड में ना कोई चिप होती है IO चिप करके, मुझे इतनी नॉलेज तो मदरबोर्ड की है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जो रिपेयर है वो करवा लो वो ठीक हो जाएगा उससे, और फ्यूचर में अगर हो जाएगी दिक्कत तो फिर मदरबोर्ड ही चेंज करा लेंगे, बट फॉर उसको मैंने रिपेयर करवा लिया है। बट मेरे को मामू ने कहा था कि अगर तू कोई भी पार्ट करवाता है ना PC का रिपेयर तो उससे ना इतनी ज़्यादा मत रखी हूँ एक्सपेक्टेशन की, वो चलता रहेगा कभी ना कभी वो दिक्कत करेगा ही करेगा, बट फॉर रिपेयर तो करवा लिया, नहीं तो खर्चा 2 लाख रुपये का होता और तो ये खर्चा कुछ 5-6 हज़ार। अब ये भैया आ गए हैं लगाने के लिए मदरबोर्ड को और ये कह रहे हैं उन्होंने ठीक करा दिया, इसकी कोई IO चिप खराब थी वो लग गई है, अब चल जाएगा भैया पक्का। ये भाई लेकर क्या है नोकचुआ की पेस्ट, इसका इतना मेन काम क्यों होता है इस वाली पेस्ट का? पेस्ट जो होती है ना ये CPU और उसके बीच में कांटेक्ट बनाती है फैन के बीच में। अभी फिलहाल ये सीन हुआ है कि PC पूरा भैया ने करवा दिया है तो बढ़िया बढ़िया तरीके से, नहीं तो अगर भैया ना होते तो हम PC लेके पता नहीं कहाँ घूम रहे होते। अच्छा भैया ये देखो भैया ये देखो, भैया तो सीधा घर आ गए, उन्होंने मदरबोर्ड खोला और सब कुछ दिक्कतियाँ निकाल ली एक बार। और ये देखो एक दिन में ठीक करके लेकर आए हैं, कल लेके गए और आज ले आए, इतनी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे हमारी रैम लग रही है और अभी फिलहाल डालना है PC में पानी, अब फिर घुमाएंगे ना मदरबोर्ड ऑन करके, चल जाएगा भैया इस बार चलेगा। ठीक है आ तो गया सब कुछ, ये हो गया भाई डन। और भाई चलो खत्म करते हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ही, भैया थैंक यू सो मच आपने इतनी हेल्प करी, ठीक है चलो PC हो गया, ऐसा हेल्प कभी जरूरत पड़े तो करते रहना। बाय बाय।